सर जी, ये वडगाम जो मेन रोड है और ये इसके सामने ग्रामीण बैंक है, आईसीआई बैंक है और बैंक ऑफ इंडिया है, और ये हमारे यहाँ मार्केट की सभी दुकान है। हम व्यापारी लोग हैं, यहाँ व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन एक दुर्भाग्य से आपके सामने ये कहना पड़ रहा है कि जब ये रोड सेक्शन हुआ तब रोड बनाया गया, उसके पास में जो ये साइड में सीसी रोड बनाया गया वो पूरा डीप के अंदर बनाया गया, और जो नाली बनाई गई है उस नाली के अंदर न तो पानी जा रहा है और ब्लॉक जगह जगह पे ब्लॉक पड़ी है और कचरा भरा हुआ है, और प्रशासन यहाँ पूरी तरह नींद में सोया हुआ है। मुझे व्यापारी के नाते कहना पड़ रहा है कि हम परेशान हो रहे हैं तब ये आवाज़ आपके सामने रख रहे हैं। ये दुर्भाग्य हमारा है कि हम धंधा बंद करके बैठे हैं यहाँ रायगढ़। कई बार यहाँ मोटरसाइकिल स्लिप होके गिर के लोग एक्सीडेंट होने की संभावना पूरी तरह है, और यहाँ गंदगी इतनी है कि यहाँ मच्छर फैले हुए, कई तरीके की बीमारियाँ फैली हुई है, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। हमारे सामने प्रधान साहब जस्ट सामने रह रहे हैं, उनका भी ध्यान में आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। यहाँ जो माननीय विधायक मोदी रतन जी भी हैं, उनको भी कहना चाहता हूँ, और देवल साहब पूर्व जो विधायक साहब हैं उनको भी कहना चाहता हूँ, ज़रा हमारे व्यापारियों का दुख और दर्द आप ज़रा आके यहाँ देखो क्या हालत है, और सुनो इस समस्या को और हमें समाधान कराओ। जब नाली बन रही थी तो उसमें यहाँ से ही रेत लेकर के नाली बनाई और खड्डा खोद दिया, और उस खड्डे के बारे में एन साहब को अवगत कराया था, मौके पे बुलाया था, मगर एन साहब ने उसमें क्या हो जाएगा और वो का वो खड्डा रखा, उसी खड्डे में ये पानी भरा हुआ पड़ा रहता है। ये बेचारी औरत जो सब्जी बेचती है, जो कई दिनों आप देख रहे हैं यहाँ ये इनके सारे सामान पड़ा है, एक महीने से वो बंद है, बंद होने का कारण बेचारी धंधा कहाँ से करेगी, पानी के अंदर लोग आएंगे कोर्ट। हमारे यहाँ बहुत सारी गंदगी हो रही है, उसको कोई साफ ही नहीं कर रहा कई दिनों से। यहाँ दुकान में आने के लिए कोई जगह भी नहीं है, कहीं भी पूरा पानी भरा हुआ है, नाली है, पूरी नाली भरी हुई है। दो बार की, दो बार आके भी गए, साफ भी किया, फिर वापस वही पानी निकल रहा है। अब आपकी क्या मांग, क्या नगर पालिका से मांग है कि ये साफ करे पूरा और नाली पूरी सफाई करें।